श्री राधे जय, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय प्रिय श्यामा। राधावल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गो वरधन धारी, राधा जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की, श्री सेवक जू महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय। जय श्री राधे। चिंतामणि प्रणमतां ब्रजनागरीणां, चूडामणि कुलमणिर्वृषभानुनां नः, सा श्याम काम वर शांति मणिर्निकुंज, भूषा मणिर्हृदय संपुट सन्मणिर्नः। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाचार्य श्रोमणि गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के इष्टाराध्यन रूप स्तोत्र काव्य के इस 26वें श्लोक में स्वामिनी श्री राधा को मणि स्वरूपा बताया है, जिसमें प्रथम प्रसंग की बात आपके सम्मुख आ चुकी है। चिंतामणि प्रणमता, प्रणत जनों के लिए जो चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि का स्थूल अर्थ है जो चिंतन के साथ ही उसकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। इसमें प्रणत जनों के लिए एक संकेत दिया गया, शुभ संकेत दिया गया कि सेव्य यदि कोई स्वरूप है तो यह है। दूसरे में बताया कि ब्रजनागरी नाम चूड़ामणि, ब्रज की जो नागरियां हैं यदि वह चूड़ा है तो उनकी मणि है श्री किशोरी जी। वैसे भी हरिवंशी महाराज ने चूड़ा मणि का रूप वर्णन किया, देखो मई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरख करत अधग्रीवा। यहां प्रिया के स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन किया है। वहां पर जितनी भी ब्रज नव तरुणी कदम्ब है, ब्रज की नव तरुणियों का जो पुंज है, समुदाय है, वह सब का सब स्वामिनी की छवि का देख दर्शन करके अपनी ग्रीवा को नत कर लेती है, मतलब उनको अपनी शिरोमणि स्वरूपा मानती है। और राधा सुधा नदी में वर्णन किया
लक्ष्मी कूट विचल विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विधानम परम ज्योति किंचन सिंच दुज्वल रस प्राग्वार प्राग्भाव माविर्भवद राधे चेतसि भूरि भाग्य विभवई कश्याप्य हो जृंभते। लक्ष्मी सौभाग्य और सौंदर्य में अन्यान्य जितनी भी देव किन्नर आदि की नारियां हैं उनमें श्रेष्ठ हैं। ऐसी कोटि कोटि विलक्ष लक्षण युक्त जो लक्ष्मियां हैं एक नहीं कोटि कोटि। विलक्ष लक्षण से अर्थ ये बताया कि जिनका सामान्य देव किन्नर पितृ गंधर्वादी की सुंदरियों में जो सौंदर्य है उनसे भी अधिक विलक्षण है लक्ष्मी। और ऐसी कोटि कोटि लक्ष्मी विलक्षण लक्षण युक्त जो होवे वे भी एक ब्रजनागरी के रूप सौंदर्य पर न्योछावर है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसत लीला किशोरी सतई ही उनकी आराध्या है जो ब्रशुमानु नंदनी। आराध्यम कहां बोले ब्रजमंडले थी, ये जो स्वरूप है ये ब्रजमंडल में ही विशिष्ट रूप से उदित है प्रकाशित है। श्री राधा का अस्तित्व ऐश्वर्य रूप से यह तो अखिल विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त है क्योंकि राधा और कृष्ण में अभेद है। कृष्ण जैसे सर्वव्यापक परात्पर ब्रह्म तत्व हैं और उनकी हृदय रूपा आत्मस्वरूपा होने के कारण अलक्षित रूप से श्री राधा भी सर्वव्यापक हैं, तथापि माधुर्य रस में इस ऐश्वर्य का सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रस का सही परिपाक न होकर के रसाभास हो जाता है। जैसे उत्तमोत्तम प्रकार से कामधेनु के दुग्ध से निर्मित की हुई क्षीर उसमें केसर इत्यादि उत्तमोत्तम पदार्थ मेवे मिष्ठान भी डाल दिए जाए और कोई यदि एक मुट्ठी उसमें रेत डाल दे तो सारा गुड़ गोबर हो जाए, सारा आनंद किरकिरा हो जाए। माधुर्य पक्ष के जो आस्वादी रसिक जन हैं वो कहते हैं ऐश्वर्य का तो स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। एक बार पूज्य पाद श्री कृपात्री जी महाराज रमन रेती में यही वृंदावन में पंचाध्यायी जो श्री रास की है भागवत को उसका वर्णन करने लगे और बड़े क्या कहें उनके लिए कोई शब्द नहीं मिलता, ऐसे महान विद्वान थे और स्मृति के बड़े धनी थे। मंच पर बैठ करके पचासों व्यक्ति जो बोल जाते थे सबका आकलन कर लेते थे और सबका प्रत्येक का उत्तर देते थे। मेधावी थे और तपस्वी थे, बड़े त्यागी महापुरुष थे, अपने युग के एक विशिष्ट अवतारी जैसे महापुरुष थे। राजपंचाध्यायी का गान कर रहे थे और वृंदावन की और इधर उधर उधर की जनता एकत्र थी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतोक्त यह राजपंचाध्यायी शुद्ध माधुर्य है। तो वृंदावन के रसिक खड़े हो गए, क्या कहना है संत? बोले महाराज जी की थोड़ी सी आपत्ति है आपकी इस कथन पर। क्या आपत्ति है? बोले जिस शुद्ध रास पंचाध्यायी का आप निरूपण करने जा रहे हैं कहते हैं ये शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध माधुर्य है, जिसका प्रारंभ ही भगवत ऐश्वर्यमय भगवान शब्द से हो रहा हो उसको शुद्ध माधुर्य में उसकी स्थिति कैसे मानी जाएगी? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपास्यता शुद्ध माधुर्य नहीं है। दूसरे जहां ब्रजवल्लवी गण के मनस्तोष के लिए उनको विलास सुख देने के लिए मध्य मणिनाम हयमानाम महामरकतो यथा दो दो गोपियों के मध्य एक एक कृष्ण, दो दो कृष्ण के मध्य एक एक गोपी, मनोमयी घन घन अंतर दामिनी
घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, उसको शुद्ध माधुर्य में उसकी स्थिति कैसे मानी जाएगी। कर्पात्री महाराज को स्वीकार करना पड़ा, बोले शुद्ध माधुर्य तो वृंदावन के रसिकों ने स्थापित किया, ऐश्वर्य की छाया भी स्पर्श नहीं करती है जहां सही सही ऐश्वर्य का आदर्शन हुआ है। तो वही हमें लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतीर आराध्यम ब्रजमंडली, कौन है वह ब्रजमंडल में जो आराधित होती है, बोले राधा विधानम परम, वह परम ज्योति है। ज्योति किंचन सिंच दुग्गल रस प्राग भाव माविद भवत, जो रस के एक अद्भुत प्रकाश का पुंज है और वो केवल वृंदावन में। वहीं राधा सुधा निधि में यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो प्यारोढुम क्षमते न यद शिव शुका दीनाम तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम महो। ये राधा तत्व यहां केवल वृंदावन मात्र कहा है, पर उसकी व्याप्ति ब्रज तक कर लेनी चाहिए। ब्रज और वृंदावन में थोड़ा सा तारतम्य भेद महानुभाव ने स्थापित किया है, पर एक ही बात है, जैसे कमल और कमल की कर्णिका में भेद तो है, परंतु दोनों के अंग उपांग होने के कारण एक दूसरे के आश्रित है स्थिति। यदि ब्रज नहीं है तो वृंदावन नहीं है, हा? कमल की यदि नाल नहीं है, उसकी पकुरी वृंतादि नहीं है, तो कर्णिका की स्थिति भी नहीं बनेगी। इसलिए ब्रज कारण है और कार्य है उसका वृंदावन। इसलिए ब्रज राधा ब्रज केवल वृंदावन मात्र गोचरम कहने से ब्रज मंडल में उसका स्वरूप मानना चाहिए। ऐसा जो तत्व है वो ब्रज नागरी नाम चूड़ामणि। दूसरी जगह फिर यही हरिवंशी महाराज कहते हैं, ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बने, नक्षकलों अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। तो ब्रज नव तरुणियों की जो सभा है, समाज है, उसकी मुकुटमणि स्वरूपा है। ब्रजनागरी नाम चूड़ामणि, उपासना के प्रसंग में भी ये बात कही गई है कि गोपी भाव के बिना श्री राधा के पादारविंद तक पहुंचना कठिन कार्य है। पशुपति भाव स्त्री लभ्या, पशुपति नाम ब्रजवासी गोपाल ग्वाल लोग जो पशुओं का पालन करते हैं, पशुओं का चारण करते हैं, उनकी स्त्री गोपी, उनके भावों के उस भाव से प्राप्त होता है जो तत्व, वह श्री राधा कहलाता है। गोपी भाव के बिना श्री राधा तत्व की उपलब्धि प्राप्ति दर्शन चिंतन असंभव है। तो ब्रजनागरी नाम चूड़ामणि ही, पिछले दिनों ये बात एक बार और हो चुकी है, जिसमें आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावो सवेन भजताम रस काम धैनुम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। जिन उदार गोपियों ने श्री राधा की चरण रेणु अपने सिर पर धारण करके मानो उनके दासत्व को स्वीकार करके और उनको अपनी स्वामिनी अथवा प्रीति के देश में निष्कपटता का दर्शन प्रदर्शन कराया, वे गोविंद प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और गोविंद दोनों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। गोविंद का सबसे बड़ा गुण प्रेम के देश में बसी होना है, अपनी स्वामिनी के अधीन होना है। उत्तमोत्तम बसी धीर ललित नायक वृंदावन के निकुंज देश का नायक है, जो स्वामिनी की इच्छा के विपरीत आगे आवेगा। इसमें श्याम काम वर शांति मणर निकुंज, किशोरी श्याम सुंदर की कामनाओं को
पूर्ण कर देने वाली श्रेष्ठ मणि है। हरिलाल व्यास ने कहा नहीं, जो उनके मन में प्रेम संबंधी उत्तमोत्तम कामना प्रकट होती है वो स्वामिनी के दर्शन मात्र से शांत हो जाती है। और वर शब्द को यदि काम का विशेषण लगा मैं तो प्रियतम के हृदय में जो रति याचना की एक आकांक्षा प्रकट होती है वो स्वामिनी के दर्शन मात्र से शांति को प्राप्त हो जाती है। इससे स्वामिनी के निष्काम और समुज्ज्वल रूप का भी प्रदर्शन किया गया। तो ब्रजनागरी नाम चूड़ामणि ही आगे बोले वृषभानु नामना कुलमणि। वृषभानु नाम के जो गोपराज हैं उनके कुल की मणि है। वृषभानु शब्द का अर्थ करते हुए दो अर्थ प्रकट किए हैं इन्होंने। एक तो वृष राशि है और वृष राशि में जो सूर्य तपता है वो बड़ा तेजस्वी और प्रखर होता है। वृष राशि ज्येष्ठ के महीने में आती है। ज्येष्ठ के महीने में तपा हुआ जो सूर्य है वो वृष है। वृष भानु, वृष राशि का भानु नाम सूर्य तेजस्वी। ऐसा जो वृषभानु नामक कोई गोप है वो प्रखर है और तेजस्वी है, उसके कुल की मणि है। तो उसमें तो कुछ कर्कशता आ गई है कहते हैं, क्योंकि उसका ताप सहन नहीं होता है। परंतु जहां उपमा उपमेय उपमान का प्रसंग आता है उसके हेयांश का परित्याग करना पड़ता है और उसका श्रेयांश अथवा उत्तम अंश है उसको ग्रहण करना पड़ता है। ये एक काव्य की एक परिपाटी है। जैसे कहा आपका मुख कमल, तो कमल से वो एक झब्बेदार जो आकृति बनती है पखुरियों से युक्त, तद्वत यदि कमल का मुख से उपमान किया जाए तो वो तो कोई शोभा नहीं बनेगी। नहीं, उसमें जो सुकुमारता है सुकोमलता है, उसमें जो रक्तिमा है और उसमें जो सौगंध है, जो उसमें सब मिलाकर के एक शुष्कता है सौष्ठव है, उन अंगों को लेना पड़ता है। यदि कमल के साथ हाथ की मुख की, कमल तो एक ऐसा पुष्प है जिसकी अंग अंग से उपमा दी जाती है। तो यहां पर लक्ष्य वृषभानु कहने से तेजस्विता में देना है। और ऐसा जो तेजस्वी वृषभानु है उसके कुल में भी जो मणि की स्वरूप है, कुल के मणि के रूप में तो लोग प्राय पुत्र को ही मानते हैं, किंतु इस कन्या के प्रादुर्भाव से वृषभानु का कुल इतना परितृप्त इतना पूर्ण हो गया कि पुत्र विषयक आकांक्षा का प्रश्न ही नहीं रह गया। हरिराम व्यास जी ने भी अपने एक पद में कहा है, या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अवमाने आज बधाई है बरसाने। कहत नंद वृषभानु राय से और बात को जाने, आज भैया हम ब्रजवासी हम सब तेरे ही हाथ बिकाने, आज बधाई है बरसाने। या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अवमाने, कोट कोट पुत्रों का महत्व तो कुछ नहीं रह जाता है। दूसरे इन्होंने वृष शब्द का अर्थ धर्म किया है, वृष नाम धर्म का, और धर्म में जो सूर्य की तरह चमकने वाला धर्म हो, तो धर्म के तो बहुत अंग है। मानव धर्म है, समाज धर्म है, पितृ धर्म है, पुत्र धर्म है, नारी धर्म है, धारणा धर्म जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धर्मों में सर्वोपरि धर्म, गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो, तू सारे धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जा। तो यहां प्रपत्ति रूप धर्म को सर्वोपरि बताया। अन्य अन्य धर्मों का तो जो त्याग करेगा उससे यदि कोई पाप होता होगा तो मां शुचाह, यानी जिस धर्म को तू धारण करेगा अथवा जिसका मैं निर्देश कर रहा हूं उस धर्म के सामने उन सामान्य उपधर्मों का परित्याग करने से यदि कोई पाप होता है तो वो पाप इस महाधर्म को परम धर्म को स्वीकार करने पर अपने आप विनष्टि को प्राप्त हो जाएगा। मां से कहा मोक्ष श्यामी मैं तुझे सब ओर से मुक्त कर दूंगा। तो
तो वहां पर जिस धर्म का निर्देश किया गया है उसको तो गीता के प्रारंभ से ही निर्देशित करने का प्रयास किया है। और प्रारंभिक उपक्रम में जहां अर्जुन ही इस बात की प्रार्थना करता है कि कारपुण्य दोषोपहत स्वभावः, अभी आपने गीता के परम विद्वान श्री अतुल जी महाराज अथवा कृष्णाश्रय तीर्थ स्वामी से गीता पर बहुत सा प्रवचन सुना, हम तो उनके पासंग में बधने लायक नहीं है, बड़े उद्भट विद्वान ब्रज की विभूति है वो। कारपुण्य दोषो, मैंने सुना कि वो इस श्लोक पर बहुत बल दिया उन्होंने, कारपुण्य दोषो पहत स्वभाव, अर्जुन एक सामान्य जीव की भांति प्रार्थना कर रहा है, यद्यपि वो नर है, नारायण और नर का संवाद है ये, पर कहता मैं तो कारपुण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूं। प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, आज क्या मेरे लिए धर्म है और क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इस संबंध में मेरा मन निश्चय नहीं कर पाता है, उपहत स्वभाव हो गया, इसलिए प्रच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछता हूं। और मेरे लिए आप वो धर्म कहिए, धर्म तो उपदेश शिष्य के प्रति करना चाहिए, बोले शिष्यस्ते हम, यहां शिष्य शब्द आज्ञाकारी के अर्थ में है, जो आप आदेश करेंगे उसका मैं पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। शिष्य शब्द साथ साथ में धातु से निष्पन्न होता है, मैं आज्ञाकारी आपका शिष्य हूं, और केवल आज्ञाकारी शिष्य ही नहीं हूं, मैं प्रपन्न हूं, आपके शरण में आया हुआ, तो शिष्य हूं, प्रपन्न हूं, कारपण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला हूं, धर्म के संबंध में निर्णय नहीं कर पाता हूं। तब भगवान ने उपदेश किया, और वैसे तो छह धर्म है किसी ग्रंथ के प्रतिपादन में, पर तीन प्रधान है, उपक्रम है, उपसंहार है और उपपत्ति है। उपपत्ति है पर उपसंहार है। तो उपक्रम में अर्जुन प्रश्न के द्वारा प्रपन्नता प्रकट करता है, प्रपन्नता की आकांक्षा नहीं स्वीकृति करता है, और भगवान भी जाकर के मध्य में नवम अध्याय में उपदेश करते हैं कि तुमको सब त्याग करके मेरी शरण में आ जाना चाहिए, कोई तुम ही क्यों, स्त्री हो, शूद्र हो, पतित व्यक्ति हो, वो भी मेरी शरण में आ जाए तो वो पवित्र हो जाता है और अपने उस परम धर्म को प्राप्त होता है। और अंत में भागवत धर्म का उपदेश करके इसके बाद प्रपत्ति को बताया, मन मनाभव मद भक्तो, प्रथम अध्याय में, नवम अध्याय में, और माम हि पाति पाशत्य एवषु पापियो नयः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा से पियांति परामगतिम, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षये तथा, ये नवम अध्याय का उपदेश है। इसमें कहा कि कोई भी हो, अधमादम हो, जिनको वेदाधिकार नहीं है वे भी हो, वे यदि मेरी शरण में आ जाते हैं तो वे सब के सब पवित्र हो जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अंतिम 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में मन मनाभव मद्याजी माम नमस्कुरु, तुम मेरे मन में लगाने वाला बन जाए, मेरा हो जाए, मेरा यजन कर, मेरा आराधन कर। अर्जुन के मन में तब भी एक विकल्प खड़ा रहा, जब मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही भक्त होना है, मुझे ही पूजन करना है, मुझे ही यजन करना है, तो कर्तव्य तो मेरे लिए शेष रह गया, और शायद मैं उसको सम्यक रीत से कर सकूं या न कर सकूं। स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में अर्जुन ने ना हां कहा ना कहा। ठीक है, कृष्ण वचनम तो ऐसे कह देना चाहिए था, जब भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त हो जाए, मुझ में मन लगा दे, मेरा यजन कर, मेरा आराधन कर, कह देता ओमिति मुझे स्वीकार है, पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। तब भगवान ने कहा, अच्छा तुझे मैं अब एक ऐसा रहस्य कहता हूं जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, इसलिए कहता हूं कि तू मेरा भक्त है, और भक्त ही नहीं है, मित्र है, सखा है,
सखा से कभी कोई कपट नहीं किया जाता। अनाज सखा है नर नारायण के रूप में सखा और यहां कृष्ण और अर्जुन के रूप में सखा है। इसलिए मैं तुझे रहस्यम हेतु दुत्तमम उत्तमोत्तम रहस्य प्रकट करता हूं। तब आदेश किया उन्होंने, सर्वधर्मान प्रतिज्ञे माम एकम शरणम व्रजो। यहां पर जिस धर्म का उपदेश किया गया है वो परम धर्म है, ये भागवत में स्पष्ट होता है। गीता यदि सूत्र है तो भागवत उसका भाष्य है। इस रहस्य को जो भगवान ने यहां पर गीता में कहा, दो शब्दों में गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया था। जब पुत्र की लालसा से आत्मदेव वन प्रदेश में जाकर मरणासन्न स्थिति में जल में प्रपात करके मरना चाहता था, एक सन्यासी का दर्शन हुआ, उसने फल दिया और फल को दिया उन्होंने लाकर अपनी पत्नी को, पत्नी ने नहीं खाया, गर्भेण उदर वृद्धता, इसको खाने से गर्भ रहेगा, उदर बढ़ जाएगा, तब मैं शौचाचार से रहित हो जाऊंगी, मेरा सारा धन मेरी ननद चुरा के ले जाएगी, इत्यादि कुतर्क योग के द्वारा उसने परीक्षार्थ अपनी गौ को खिला दिया और अपनी बहन का बेटा ले लिया, कह दिया कि मेरे दूध नहीं आता है। नारी प्रपंच बहुत बड़ा किया उसने, आज तो उसको ऐसा कहने में एक जुर्म हो जा रहा है, समय दूसरा है, इसलिए भाई डर के बोलना चाहिए। समय की गति शास्त्र से विपरीत, मनु का विरोध हो रहा है, राम का विरोध हो रहा है, कृष्ण का विरोध हो रहा है, कि आप लोग तो वृंदावनवासी भक्त लोग हैं, अखबार पखवार कहां है? देखो तो गौ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि उसके कान गाय के कान की तरह थे। और वो जो पुत्र धोखे के साथ बहन का अपना ले लिया था धुंधली ने, उसका नाम धुंधकारी हुआ। वो बड़ा उपद्रवी निकला, बड़ा धूर्त बना, खेल खेल में बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता, किसी के पेट में छुरी मार देता, किसी के नाक काट लेता, किसी के कान काट लेता। बहुत विपत्ति खड़ी हो गई, पिता व्याकुल हो गया, हाय हाय इससे तो मैं कुपुत्र ही रहता तो बड़ा अच्छा। वो एक बात मजाक किसी आती है आप कहें तो कह दूं, मन से आ रही है। रीवा में एक पंडित थे ब्राह्मण, उनका कोई संतान नहीं थी, संतान के लिए व्याकुल फिरते रहे। किसी विद्वान ने कहा कि एक रामायण होती है, क्या नाम, आनंद रामायण, आनंद रामायण का पाठ करा दो, अथवा भगवान के चरित्र का जो हरिवंश नाम का पुराण है उसका पाठ करा दो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो उसने कहा हरिवंश पुराण सुनेंगे, तो हरिवंश पुराण सुना उसने, उसके तीन पुत्र हुए। तीनों जब सयाने हुए तो बड़े उद्धत हुए और उन्होंने एक दिन पिता को मारा तो खून बह गया, और उसी बहते हुए खून की धारा को लिए हुए पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे थे। तो उस गांव के जो प्रधान थे उन्होंने देखा, अरे अरे कहां जा रहे हो पांडे जी, ये क्या हो गया? तो वो अपने रीवा की भाषा में बोले, का सरकार का बताई, हमरे कोनो संतान नहीं रही, तो हम कहें कि हम कोनो पुराण पढ़ी, तो लोग बताएं कि हरिवंश पुराण पढ़ा, तब हरिवंश पुराण पढ़ाएं तो हमारे तीन पुत्र थे, तो अब ये हमारा हाल हो गया, अब हम यही सोचे थे कि कोई हमका निर्वंश पुराण पढ़ाए दे रहे। निर्वंश पुराण का पढ़ाए दे रहे, यानी ऐसा पुराण जिससे वंश की आत्मदेव की दुर्दशा होगी बेचारे की। गोकर्ण से उसने प्रश्न किया, तुम मेरे घर में एक साधु पुरुष प्रकट हुए हो, इसमें मेरा कर्तव्य क्या है? पुत्र का सुख तो मैंने देख लिया। तो उन्होंने दो श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया। उन्होंने कहा, देहे स्तिमान से रुद्रे भी मतिंत जत्तम जाया सुताज सुताम ममताम विमुंचो पश्यान शम जगदिदम
क्षण भंगो निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, इस देह को जो हाड़ मांस आदि से निर्मित है, इसमें मैंपन की जो प्रतीति हो रही है, इसमें जो अस्मिता भाव आ गया है, मैं ये देह को मैं कह रहे हो, इस अभिमान का, इस अभिमत का परित्याग करो। और इस देह से उत्पन्न हुए जो ये संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र आदि हैं, इनमें जो ममत्व हो गया है मेरेपन का, इसका भी परित्याग करो। और इसका ही नहीं परित्याग करो, ये जितना भी दृश्यमान जगत है ये अनिश है, आज है कल नहीं है, ऐसा मान करके इससे भी अपने चित्त को ऊपर उठा लो। ये क्षणभंगुर है और वैराग्य के राग के रसिक हो जाओ, वैराग्य से प्रेम करो। विरहित राग हो करके ममता मोह का परित्याग करके वन की ओर प्रस्थित हो जाओ। क्या करेंगे वहां? बोले धर्मम तजस्व सततम भज परम धर्म। इस सामान्य धर्म का परित्याग करके परम धर्म का भजन करो। वो परम धर्म क्या है? सेवस्तु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। संत पुरुषों का सेवन करो, कामनाओं को मार डालो। जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु त्यक्त्वा। दूसरों के दोष और गुणों का जो चिंतन होता है जीव स्वभाव वशात, उसको अभी इसी क्षण परित्याग कर दो और निरंतर श्रीहरि का भजन करो। अन्यस्य दोष गुणचंदनम चिंतनम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिवत्तम। स्थिरता और विश्वास के साथ भगवत कैंकर्य में लीन हो जाओ और भगवत